थैंक यू, धन्यवाद सुरजीत कुमार जी। श्री विजयपाल सिंह जी तोमर, धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, ये बिल केंद्र सरकार की उस सभी अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने वाली नीति जो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं और विधि व्यवसाय अधिनियम 1879 देश के विधि व्यवसायियों के लिए ब्रिटिश काल का एक अधिनियम है। मान्यवर, देश के आजाद होने के बाद संसद ने दूसरा एक कानून बनाया, अधिवक्ता अधिनियम 1961, लेकिन उसमें 1879 वाली जो धारा 1336 थी उसको निरस्त, सभी धाराएं ये इनको निरस्त नहीं किया गया, उनको छोड़कर और निरस्त किए गए। तो माननीय, मैं मानता हूं इस बिल की मूल आत्मा यह है कि अदालतों में दलाली समाप्त हो। लंबे टाइम तक ऐसी सरकार यहां रही है जो कोयला घोटाला, वहां भी दलाल, पनडुब्बी खरीद होगी वहां भी दलाल चाहिए, जहां अपने हेलीकॉप्टर खरीदेंगे उसमें भी दलाल चाहिए, तोप खरीदने में भी दलाल चाहिए, उन्होंने कभी चिंता नहीं की। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है ये निचले स्तर से लगा के ऊपर तक दलालों को समाप्त करने के लिए संकल्प किए हुए है। उस संकल्प के साथ माननीय मंत्री जी इस 2023 अधिवक्ता संशोधन विधेयक को लाए हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ और इनका उनको बधाई भी देता हूँ। महोदय, इस बिल में ऐसा नहीं है कि किसी को भी दीवार कर दिया जाएगा, किसी को दलाल घोषित कर दिया जाएगा। उसमें वहां की बार जो है, बार एसोसिएशन, उसका बहुमत का प्रस्ताव होगा उसके प्रमाण के लिए। फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या रिवेन्यू ऑफिसर से तो कलेक्टर से ऊपर के हों, वो सब उसे देखेंगे और उसके बाद भी नोटिस देंगे। सो कॉल्ड नोटिस देने के बाद उससे स्पष्टीकरण लिया जाएगा, तब उसको, क्योंकि बड़े पैमाने पर कचहरी में इस तरह के लोग आए दिन आते हैं जिनका कोई किसी भी केस में नहीं जाएंगे, लेकिन आएंगे सबसे पहले उनका काम ही ये है। इसको दलाली को समाप्त करने के लिए आवश्यकता इस तरह का कदम उठाने की, और ये इसीलिए नहीं सर, इसके लिए भारत के विधि आयोग ने भी अप्रचलित कानून तत्काल निरस्तीकरण की मांग दूसरी अंतरिम रिपोर्ट शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट संख्या 249 में अधिवक्ता अधिनियम 1961 के उपयुक्त संशोधन करने के बाद विधि व्यवसाय अधिनियम 1807 को निरस्त करने की सिफारिश की थी। उसके बाद एक समिति का गठन किया गया था अधिवक्ता अधिनियम 61 में, इस अधिनियम की धारा को शामिल करके विधि व्यवसाय अधिनियम 79 को निरस्त किया जाए। विधि कार्य विभाग ने विधि व्यवसाय अधिनियम 1879 के लागू प्रावधानों को निरस्त करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी विचार विमर्श किया था। सबसे विचार विमर्श करने के बाद अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 में मूल अधिनियम की धारा 45 के बाद एक नई धारा 45 के जोड़ी गई है। मान्यवर, 45 के जुड़ने के बाद ये जो ब्रिटिश टाइम का कानून था ये अपने आप समाप्त हो जाता है जब मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 5 के बाद निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाएगी। शेष प्राविधान यानी विधि व्यवसाय अधिनियम 1879 की धारा 1336 तारीख से निरस्त हो जाएंगी जिस दिन अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 45 के लागू होगी। तो ये 45 के लागू इसके द्वारा ही हो रही है, जो किसी विधि व्यवसाय से प्राप्त क्या करते हैं, साहब हम आपका एक केस जिता देंगे, हम यहाँ दुकान दिला देंगे 1 करोड़ परिसर में ऐसे लोगों को, या और कुछ लाभ पहुंचा देंगे, ऐसे लोगों को न्यायालय परिसर से बाहर कर देगा, उसे अधिकार होगा उस परिसर में भी ना आए, इस तरह का अधिकार कोर्ट को दिया गया है। तो मैं इनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोग, और मान्य महोदय, संविधि पुस्तक से विधि व्यवसाय अधिनियम 1870 को निरस्त करना विशेष रूप से ब्रिटिश काल से संबंधित अप्रचलित कानून को निरस्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक योगदान देगा, क्योंकि ये जो पुराने गुलामी के प्रतीक हैं जिनको समाप्त करने का काम किए जा रहे,
तो ये कानून भी इस तरह के हैं। यह व्यवसाय करने में आसानी और नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसके अलावा प्रस्तावित संशोधन इस विषय पर संपूर्ण विधि यानी अधिवक्ता अधिनियम 1961 के एक स्थान पर रखकर 1897 अधिनियम की धारा 36 के तहत शामिल विषय के पहलुओं को प्रोत्साहित करेगा और निगरानी का बेहतर तरीके से निगरानी करेगा। तो महोदय, इसके द्वारा न्यायालय के न्यायाधीश, सामान्य या विशेष अदालत, किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम ऐसी सूची में शामिल है न्यायालय से। तोमर साहब, समय की सीमा तय आ गई अंदर से। हाँ महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये बिल जो आए दिन कचहरी में दलाल घूमते हैं, उन दलालों को समाप्त करने के लिए लाया गया है, जो बहुत पहले लाना चाहिए था। देर से आए, शायद इंतजार इसी का था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आएगी और मेघवाल जी इस बिल को लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद तोमर साहब।